नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। मैं हूं वैशाली। मुरैना मध्य प्रदेश शासन के पशुपालन, मछुआ कल्याण, मत्स्य विकास विभाग और मुरैना श्योपुर जिले के प्रभारी मंत्री लाखन सिंह का मुरैना आगमन पर कांग्रेस के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के द्वारा पुष्पमालाओं से भव्य स्वागत किया गया। विगत 11 वर्षों से बंद जिले के एकमात्र सबसे बड़े उद्योग सहकारी शक्कर कारखाना कैलारस को चलाने के लिए सैकड़ों किसान और श्रमिकों ने एकत्रित होकर मध्य प्रदेश किसान सभा, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी C2 के तत्वाधान में शंकर कारखाने के गेट पर प्रभारी मंत्री को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में शक्कर कारखाना तत्काल शुरू कराने, परिसमापन की कार्यवाही रोकने, किसान कर्मचारियों का बकाया भुगतान कराने की मांग रखी गई। प्रभारी मंत्री ने कहा कि कारखाने को चलाने का हमने वचन पत्र में वादा किया है, हम कारखाने को जरूर चलवाएंगे। इस कार्यवाही का नेतृत्व मध्य प्रदेश किसान सभा के प्रांतीय उपाध्यक्ष, पूर्व नापा अध्यक्ष अशोक तिवारी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के जिला सचिव गयाराम सिंह धाकड़, महेश प्रजापति, किसान नेता राम सिंह पटेल, जगन्नाथ सिंह धाकड़, सुमेर सिंह सरपंच, रामदयाल नेताजी, पूर्व पार्षद इब्राहिम शाह, कन्हैया लाल, श्रमिक नेता लाल सिंह सिकरवार ने किया। नेतागणों ने कारखाना चलाने के लिए आंदोलन की घोषणा भी की है। कैलारस पुरानी सब्जी मंडी चौराहे पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के ब्लॉक अध्यक्ष श्री राजेंद्र शुक्ला, केशव प्रसाद गोयनर, ब्रजमोहन मरैया, साबिर पठान, गणपति राम पटेल, अशोक जाटव, डॉक्टर सम्मा कुरैशी, राजा राम बंसल, विवेक शर्मा, नरहरी शर्मा और समस्त ब्लॉक कमेटी के द्वारा माननीय मंत्री जी को पुष्पमाला पहनाकर जोरदार स्वागत किया गया। प्राइम न्यूज 24 के लिए मुरैना से जितेंद्र तिवारी की रिपोर्ट। आज जो आपने ज्ञापन सौंपा है प्रभारी मंत्री जी को, वो किस विषय में है? आज हम लोगों ने ये प्रभारी मंत्री जी को जो ज्ञापन दिया है, उसमें हम लोगों ने ये मांग रखी है कि ये कारखाना एक दशक से बंद है, इस कारखाना इस क्षेत्र की जीवन रेखा है, इस कारखाने को चलाया जाए जिससे इस क्षेत्र का जो विकास अवरुद्ध हो गया है उसको एक गति मिल सके। उन्होंने ये हमको आश्वासन दिया था कि हमने अपने वचन पत्र में भी इस मुद्दे को रखा है, कारखाने को जरूर चलाएंगे। हमने साथ में किसान कर्मचारियों का जो बकाया भुगतान है उसकी की मांग की है, और जो तथाकथित परिसमापन की जो कार्यवाही की जा रही है प्रशासन द्वारा उसको भी रोकने की मांग हम लोगों ने की है। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हम कारखाने को चलाएँगे। मैं दयाराम सिंह धाकड़, शक्कर कारखाने पूर्व संचालक और किसान सभा के जिला उपाध्यक्ष के तौर पर आज प्रभारी मंत्री जी को ज्ञापन दिया गया है। जो शक्कर कारखाने का जो परिसमापन कर दिया गया है, उस परिसमापन के आदेश को निरस्त करते हुए शक्कर कारखाने को नए सिरे से चलाने की मांग की गई है, और किसान और कर्मचारियों का जो बकाया पैसा है उसका मैं ब्याज के भुगतान करने के लिए मांग की गई है। इसके लिए ज्ञापन सौंपा गया है।